आदिकाल से ही सनातन समाज वट वृक्ष का आदर सहित पूजा करता चला रहा है। हालांकि इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं जरूर हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हम कह सकते हैं कि इसकी शीतल छाया तले हम अपनी थकान दूर करते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो बरगद और पीपल के वृक्ष सर्वाधिक ऑक्सीजन देते हैं एवं भूजल भंडारण में भी वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वट सावित्री पूजा पर्यावरण संरक्षण का एक प्रभावशाली प्रबंध समाज को दिया है। धन्य है वह सुहागिन महिलाएं जो प्रकृति की पूजा करती हैं, जिससे वातावरण की शुद्धता के साथ पति को लंबी आयु मिले और शुद्ध पर्यावरण से पूरे संसार को सुखमय स्वस्थ जीवन मिले। वहीं पति के लंबी उम्र के लिए सुहागिनों की सबसे बड़ी पूजा वट सावित्री व्रत आज पूरे सिमडेगा जिले के सभी प्रखंडों में पवित्रता के साथ मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण मास्क लगाकर पूजन करने में महिलाओं को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं कोलेबिरा की सुहागिन महिलाएं आज अहले सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर अपने पति की लंबी उम्र और हर जन्म जन्मांतर के साथ कामना करती हुई श्रद्धा के साथ महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। वहीं पूजा के दौरान वट वृक्ष के 108 चक्कर लगाते हुए पवित्र धागे को बांधते हुए सदा सुहागिन रहने की कामना की। वहीं सावित्री के द्वारा यमराज से अपने तप और पूजा से लड़ाई लड़कर यमलोक से अपने पति को जिंदा लाई। उसके बाद से यह मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करने और सावित्री व्रत की कथा सुनने से पति को अभिज्ञान मिलता है। वहीं इसी को मान्यता मानते हुए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं। अखंड भारत न्यूज के लिए वीरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट, सिमडेगा।